नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीवी शो वीडियोस में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बन प्यारी सी स्माइल से लूट लिया था दिल सर्वदा मंडी बैनर्जी के बारे में। मनोरंजन की दुनिया में कई कलाकार ऐसे हैं जिन्हें दर्शक उनके किरदारों से ही पहचानते हैं। उनके किरदारों के लुक में ही उनकी पहचान बन गई है। यदि वे असल रूप में सामने आएं तो शायद उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाए। ऐसे ही एक कलाकार हैं जो 90 के दशक में श्री कृष्ण का किरदार निभाकर चर्चा में आए थे। उन्हें लोगों ने इतना पसंद किया था कि उन्हें कृष्ण ही पुकारा जाने लगा था। हम बात कर रहे हैं सर्वदमंडी बनर्जी की। आइए उनके किरदार और वर्तमान जिंदगी पर कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर्वदमंडी बनर्जी भगवान कृष्ण के किरदार में इतने अच्छे लगते थे कि 90 के दशक में लोगों के मन में उनकी खास जगह बन गई थी। बनर्जी की प्यारी सी स्माइल के कारण वे इस किरदार में और भी फबते थे और कई बार तो उन्हें असल में भगवान समझ लिया जाता था। सर्वदमन बनर्जी का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में 14 मार्च 1965 को हुआ था। अभिनेता ने कानपुर से शुरुआती शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया था। एक्टिंग की दुनिया में 1983 में फिल्म आदि शंकराचार्य से कदम रखा था। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता था। साल 1983 से साल 2022 तक सर्वदमन मनोरंजन की दुनिया में सक्रिय रहे। उन्होंने कई बॉलीवुड के साथ क्षेत्रीय सिनेमा की कई फिल्में भी की। फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में वे सुशांत सिंह राजपूत के साथ चंचल के किरदार में दिखे थे। फिल्मों के साथ छोटे पर्दे पर उन्हें 90 के दशक में काफी सफलता मिली। फिल्मों से ज्यादा लोकप्रियता सर्वदमन को छोटे पर्दे पर मिली। साल 1993 में वे दूरदर्शन के धारावाहिक कृष्णा में नजर आए। इसमें उनके किरदार को इतना पसंद किया गया कि यह उनके करियर के लिए माइलस्टोन बन गया। लोग कृष्ण के रूप में ही उन्हें पहचानने लगे। कृष्णा की सफलता के बाद सर्वदमन ने ओम नम शिवाय, अर्जुन, जय गंगा मैया जैसे शोज भी किए, लेकिन उनकी छवि कृष्ण के रूप में ही याद रही। साल 2022 में सर्वदमन गॉडफादर फिल्म में चिरंजीवी के साथ नजर आए थे। सर्वदमन का लुक अब पहले से काफी बदल गया है। उन्होंने अपनी फिजिक पर भी काफी काम कर लिया है। उनकी बॉडी की फोटो देखकर लोग उनकी तुलना स्लिविस्ट स्टेलोन से भी करते हैं। इसके अलावा आजकल सर्वदमन ऋषिकेश में मेडिटेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं। साथ ही वे एक एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।